चल रहा है। अब तक हमने बिहारी के 13 दोहे पढ़ लिए हैं, आगे वाले पढ़ेंगे हम। जैसा कि आपको पता ही है, बिहारी क्या है, रीतिकाल के सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। तो बिहारी की जो ससई है उसमें कुल 713 दोहे हैं, जिसमें से 46 दोहे आपके सिलेबस में लगते हैं, जो कि श्रृंगार के भी हैं, भक्ति के भी हैं और नीति पर भी आधारित है। तो सारे अलग अलग तरह के दोहे हैं। तो आज हम ये पहला दोहा देखेंगे। पिट्ठी नाम परत समान उत्ती कनकु कनकु से गा, तो भूषण करकस लगत है पर सिर छाने जा। इस दोहे के अंदर क्या है, नायिका की जो सुंदरता है उसके बारे में बताया गया है कि जो नायिका ने अपने तन पर बहुत सारे स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए हैं। तो नायिका का जो शरीर है, गात क्या होता है, शरीर, ठीक है, उसका नायिका का जो शरीर है वो भी सोने के समान स्वर्णिम चमक रहा है। ऊपर से उसने सोने के ही आभूषण पहने हुए हैं। तो क्या है, विठी ना परत समान, तो इधर तो नायिका के अंगों की जो चमक है, दूसरी जो सोने की चमक है, ठीक है, कनकु से गात्र दोनों की जो चमक है वो क्या है, एक समान भूति कर रही है, अर्थात एक समान कांति में है, एक समान चमक रही है, ठीक है। इस चमक से, इस जो चमक को, जो चमक रही है नायिका का शरीर भी, उसकी काया भी और उसके आभूषण दोनों ही क्या है, इतने कांति में है, इतने चमक रहे हैं कि नजर से हम उसको नहीं पहचान सकते कि नायिका का कहाँ पर शरीर है, अर्थात उसके तन के अंग है और कहाँ पर उसने आभूषण धारण किए हुए हैं, क्योंकि दोनों इतने चमक रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, नज़र से हम डायरेक्ट देख करके नहीं पहचान पाएंगे कि कहाँ पर नायिका के अंग हैं और कहाँ पर उसने आभूषण धारण किए हुए हैं। दोनों की कांति समान है लेकिन नज़र से हम नहीं पहचान सकते, लेकिन आगे कैसे पहचानेंगे, भूषण करकस लगत है पर सिर छाने से, केवल स्पर्श करने से ही हम पहचान सकते हैं कि कहाँ नायिका के अंग हैं और कहाँ उसके आभूषण हैं। क्योंकि आभूषणों को क्या है, स्पर्श करने से वे कर्कश अर्थात कठोर प्रतीत होते हैं और नायिका की जो काया है या शरीर है वह क्या है, कोमल है। तो स्पर्श करने से ही हम पहचान सकते हैं, नज़र से नहीं पहचान सकते। तो यहाँ पर नायिका की अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताया गया है। आगे वाला देखिए, अंग अंग नव जगमगी दीपशिखासी देवतिया गे। नायिका ने क्या है, इसमें भी क्या है, नायिका के नक्षत्र सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नायिका ने जो अपने शरीर पर बहुत सारे आभूषण धारण किए हुए हैं उनके अंदर क्या है, नग जड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो उसके अंग अंग से जो नग, जो उसने आभूषण पहने हुए थे, नगों से जड़े हुए, उसने अपने प्रत्येक अंग पर जो उसने आभूषण पहने हुए हैं वे इस तरह से चमक रहे हैं मानो दीपशिका ही जग रही है। वो दिया बड़ाए हुए हो, बड़े बुझे हो गए, तो उसके नायिका के आभूषणों की, उसके अंदर जड़ित रतन मणियों की, नगों की जो चमक है वो इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानो उसने घर का दिया भी बुझा दिया है तो भी उसके आभूषणों से घर में उजाला हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर क्या है, ये अतिशोक्ति हो गई है, आभूषणों की चमक जो है दिया बढ़ाने पर भी इतनी तो चमक नहीं होती कि घर में उजाला हो जाए, तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार आ गया है, क्योंकि नायिका के आभूषण इसमें इतने चमकते हुए दिखा रहे हैं कि घर में दिया बुझाने के बाद भी क्या है, उजाला हो रखा है। आगे वाला देखिए, लिखन बैठी जाती सभी कभी कभी गर्भ जगत क्या बताया गया है कि
बड़े बड़े महान चित्रकार नायिका की छवि या उसके चित्र को बनाने के लिए बड़े ही अहंकार में, गर्व में, अर्थात अहंकार में आए कि हम नायिका का जैसी वो दिखती है वैसा ही उसका चित्र बना देंगे। बड़े बड़े चित्रकार आए अपने अहम के अंदर कि हमें, हमारे अंदर वो योग्यता, वो कुशलता है कि हम वो चित्र बना देंगे, लेकिन भय न कहते जगत के चतुर चित्रे, लेकिन किसी भी चित्रकार से नायिका की जो जैसी छवि थी वैसी नहीं बनाई गई, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो नित्य प्रति नया प्रतीत होता है। तो कितने भी चतुर चितेरे आए चित्रकार, उनसे क्या है, नायिका की जैसी छवि बननी चाहिए थी वैसी छवि नहीं बन पाई, उनका जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो नित्य प्रति परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा इन तीनों भी दोहों के अंदर क्या है, नायिका की सुंदरता के बारे में बताया गया है। इन तीनों में ही क्या है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। आप इसमें अलंकार भी बता सकते हो, जैसे अंग अंग नर्जक हो गए ना, इसके अंदर अंग अंग वर्णों की आवृत्ति हो गई, अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे, इसमें कंकु कंकु है ना, इसमें एक तो उसके शरीर की चमक हो गया एक कंकु का अर्थ, और एक हो गया सोने की सोना, तो इसलिए इसमें कौन सा यमक अलंकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चतुर चितेरे यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, गली गली मूर्ति भी कह सकते हो, गली गली गर्भ गर्भू, इसमें आप अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आज हमने ये तीन दोहे पढ़ लिए हैं, कल हम आगे बिहारी का कंटिन्यू रखेंगे, आगे उसके दोहे पढ़ेंगे।